कठुआ जिला के रेलवे मार्ग पर पानी निकासी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन व सिडको के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर तक रेलवे मार्ग को अवरुद्ध करते हुए अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नालों की ब्लॉकेज के कारण पानी सड़कों पर आ रहा है, इससे बदबू फैल रही है। नाले का गंदा पानी सड़कों पर आने से आवाजाही में भी परेशानी आ रही है। हालांकि कई बार पानी की उचित निकासी की मांग की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय मूक दर्शक बना हुआ है। दुकानदारों से लेकर स्थानीय लोगों तक इससे परेशानी हो रही है। इसका समाधान भी प्रशासन को करना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान ना किया गया तो इसके विरोध में वे आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री का हमारे लिए क्या फायदा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये केमिकल वाला पानी पूरे सिडको से निकल करके हमारे इस मोहल्ले में घुस रहा है। यहाँ पे कल इनका ट्रक आया, ये पाइप है पानी की जो कि पीएचई की सप्लाई है, इसको तोड़ गया और ये यहाँ पे केमिकल वाला पानी इस पाइप के अंदर जा रहा है। पानी आज हमारे घरों में जा रहा है। ये पानी अगर हम लोग पियेंगे तो हमारा क्या होगा? तो टायर के कण निकलते हैं और हमारे घरों पे गिरते हैं। इतनी इतनी मोटी परतें हैं हमारे घर में, हम लोग बाहर बैठ नहीं सकते। उसके अलावा ये जो टायर वाली इंडस्ट्री है, इसका धुआं निकलता है अजीब सा केमिकल। जैसे भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी हुई थी, हम लोगों को शाम को सांस लेने, आप किसी से पूछ सकते हैं, हम लोग शाम को सांस नहीं ले सकते। लेकिन हम लोग इतनी बार ज्ञापन दे चुके हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, इनको, फैक्ट्री वालों को, ये तो बात ही सही तरीके से नहीं करते। तो हम सब लोग तंग आ चुके हैं कि हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमको इस इंडस्ट्री से क्या लेना देना है। जिस वे दूसरी रात देखो सवेरा देखो तो जीरा झाड़ू मार देने, कम से कम तो दो दो किलो या घटा अंदर निकल आया। तू ये गल दसो कि जीरा खंदे ना अंदर कितना ज्यादा हो। दूसरी गल है कि इतने कल एक ट्रक आया जी, उन्हें पीने की पाइप जी इसी ब्लॉक तोड़ी तो सी, और तोड़ने बाद ये नाला भी देखा दे कि नाला ब्लॉक होता सारा ही, जिन्ना भी केमिकल है जो सारा बाहर आवा रहा, और ये पीने वाली जी पाइप है वो अंदर जा रहा, जिन्हें लोग इस पानी केमिकल वाले पानी जी पीन के उनकी क्या हालात हो गए। मैं थोड़े मतलब जी एडमिनिस्ट्रेशन ये आखना चाहना कि ये जड़ी इंडस्ट्री हैं इतने, असं डिवेलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डिवेलपमेंट होनी चाहिए है, लेकिन ये जो इनके नॉर्म्स हैं जो इनका सिस्टम है उसे फॉलोअप कर। गंदा पानी जो रोड पर आवा वो नहीं आना चाहिए, इसी ट्रीटमेंट का प्लांट आना चाहिए, और ज्यादा गंद पा देना फैक्ट्री वाले इन्हें टायर फैक्ट्री जी।